गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको एग्जाम के बारे में बता दूं, ओनली 17 बच्चों ने कॉपियां सबमिट की थी। उन्हीं में से कुछ बच्चे फेल भी हैं, कुछ के अच्छे मार्क्स भी आए, कुछ के एवरेज मार्क्स आए। तो आपके स्टूडेंट 46 आप हैं क्लास में, लेकिन आपको 50% बच्चों ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो ये बहुत गलत बात है। आपको एग्ज़ाम देना चाहिए था, दैट इज़ योर फॉल्ट। आपको के लिए सफ़र भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मार्क्स ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में ऐड होंगे। ओके, परसेंटेज आपके इन्हीं मार्क्स को मिलाकर बनाई जाएगी। होमवर्क का भी आपसे बोला गया, तो उसको भी बार कंप्लीट कर लेना चाहिए था आपको, ठीक है। ओके, और जब भी आपको वर्क करवाया जाता है, कुछ भी काम दिया जाता है, उसको टाइमली सबमिट करना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपका चैप्टर 5th की। इसको हम इसका पढ़ चुके हैं, इसके बारे में रीड कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हमें ज़रूरत है इसके बारे में पढ़ने की, मीन्स अब इसका हम करेंगे क्या, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ओके, तो हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज पर, पेज नंबर 44 पर। देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है। तो इसका पहला ही क्वेश्चन है, इसका पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर गिव टू एग्जांपल। हमें क्यों जरूरत पड़ती है किसी भी जो कंपोनेंट को मिक्सचर से अलग करने की, ठीक है। तो इसका आंसर या तो आप कहें तो मैं लिखवा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको इसमें टिक करवा दूं तो बेटर है, ठीक है। एक मिनट, अगर यहाँ देखें पेज नंबर 36 पर, देखिए, वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्स विद। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट ऑफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली। तो इसकी जरूरत ये है, ठीक है। तो ये आप आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1st का है, मैं यहाँ डाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ये, ठीक है। तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम उसको क्या होता है, उसमें से हम क्या करें, सेपरेशन नहीं करेंगे, तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी बॉडी को क्या करेंगे, नुकसान करेंगे, और फिर उससे हमारे हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीजेस हो जाएंगे। तो ये पहले का आंसर हो गया आपका, पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, we need to separate a different component of mixture because we use a substance we need to separate harmful or non useful substance that may be mixed with it. Okay, sometimes we separate even useful component if we need to use them separately. Okay, ye hai iska answer. To aap likhenge aage itna sa add kar lena, सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बिकॉज, इतना से आप डाल के इसको ऐड कर लेना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बिनोविंग वेयर इट इज यूज्ड। ओके, तो ये पहले का आंसर हो गया। अब पहले का आंसर मैं आपको बताता हूँ, तो पेज नंबर 36 पर है, ठीक है। दूसरे का हम देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बिनोविंग, देखिए इसकी दिस की जगह लिख लेना आप द। ओके, पेज नंबर 37 पे इसका आंसर है, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड बिनोविंग। बिनोविंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आपका, ठीक है। तो 2 का आंसर है, वेयर इट इज यूज, तो इट इज आप लिख लेना,
ये देखिए आगे लिखा हुआ है, दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्ट फ्रॉम एवर सीड ऑफ ग्रेन। तो ये इसका आंसर है पेज नंबर 37 और 38 पर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ओके, और मैं चाहूँ तो यहाँ भी लिख देता हूँ, पेज नंबर 37, 38 पर। ठीक है, आप बहुत ही ध्यान से इसको समझना है। ठीक है, ये है आपका पेज नंबर। ओके, ठीक है, तो पेज नंबर 37 पर है ये ए, और फिर यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, ए भी पेज नंबर 38 का। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डेड पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो देखिए, हस्क और डस्ट, डर्ट पार्टिकल्स मीन्स धूल। तो आप इसको सिंपल सा आप विनोविंग मेथड के आप लिखेंगे, वी वुड सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय विनोविंग मेथड। ठीक है, आप ठीक है, आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, वी वुड यहाँ पे लिख देंगे, वी विल की जगह लिख देना वुड, WULD, वी वुड सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग बाय विनोविंग मेथड। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो समझ में आ रहे हैं आपको, हाउ विल यू को काट कर आप लिखेंगे, वी वुड सेपरेट। ओके, आपको इस तरीके से इसको लिखना आंसर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हाट इज सीविंग वेयर इट इज यूज्ड। ओके, तो आपको पेज नंबर 38 पे इसका आंसर मिलेगा आपको। देखिए, ये रहा सीविंग, देखिए ये आंसर है इसका, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इंप्योरिटीज रिमेन ऑन सीव। ठीक है, तो सीविंग क्या है, सीविंग इज अ प्रोसेस, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सीविंग इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट आउट टू यूज ऑफ टू डिफरेंट मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स। जो अलग अलग साइज की पार्ट इम्प्योरिटीज होती है उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सीविंग का। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, सीविंग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली कहाँ यूज की जाती है, फ्लोर मिल में। ठीक है, फ्लोर मिल लिख सकते हैं आपके आटे वाले मिल में। ओके, यहाँ पे आपका यूज की जाती है। ठीक है, तो ये आंसर आपको आ गया होगा, आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये चौथा वाला आंसर हो गया पेज नंबर 38। ठीक है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। देखिए, आप चाहें तो मैं इसका आंसर लिख सकता हूँ और आप कहें तो नहीं भी लिख सकते। ठीक है, इसका मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, थोड़ा सा राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा आप। How will you separate sand and water from their mixture? We will separate sand and water by sedimentation and decantation process। तो कौन सी प्रोसेस से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डेकंटेशन। ठीक है, तो ये तो इतना समय में आ ही गया होगा आपको, कौन सी प्रोसेस, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो वी विल सेपरेट सैंड एंड वाटर बाय सेडिमेंटेशन एंड डेकंटेशन प्रोसेस। ओके, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट सुगर मिक्स्ड विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर तो हम इजीली बता सकते हैं,
बाय सेविंग प्रोसेस से हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा यस बी विल सेपरेट एंड नहीं लिखना था सेपरेट सुगर एंड क्या व्हीट फ्लोर बाय सीविंग प्रोसेस क्योंकि वो छलनी से छल जाएगा शक्कर उसी में रह जाएगी आटा नीचे आ जाए ओके क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर आंसर लिख देना है इसका सिंपल सा आंसर है बी वुड ऑब्टेन्ड क्लियर वाटर फ्रॉम मडी वाटर बाय फिल्ट्रेशन कौन सी प्रोसेस से आपको मिल जाएगा फिल्ट्रेशन दिख रहा है आपको ठीक है कौन सी मेथड से आपको सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन मेथड से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं ठीक है तो आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 8 का है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टार्क इज कॉल्ड थ्रेसिंग ठीक है थ्रेसिंग की स्पेलिंग TH RESING व्हेन मिल्क कूल आफ्टर बॉइलिंग स्पोर्ड इनटू अ पीसेस ऑफ क्लोथ द क्रीम मलाई इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन इसका एग्जांपल है फिल्ट्रेशन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन ठीक है इम्प्योरिटी सेटल डाउन सेटल एट द देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8th का डी इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूज इन द एग्जाम्पल इज कॉल्ड डेकंटेशन देखिए सेडिमेंट को नीचे जमने की प्रोसेस को जो गंदगी है उसको नीचे जमने की प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन और फिर जो पानी को गंदगी नीचे बैठ गई फिर पानी को हम अलग करते हैं उसको कहते हैं डेकंटेशन अब बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू फॉल्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन से आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते ठीक है अ मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग सॉल्ट एंड शुगर नहीं कर सकते ठीक है ये भी रॉन्ग है ठीक है अब सीधी बात द सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन यस ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डेकंटेशन फॉल्स ये किसके द्वारा किया जाता है विनोविंग के द्वारा लेमोनाइड देखिए 10th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है लेमोनाइड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर देखिए लेमन जूस एंड शुगर का एक वो बनाया लेमोनाइड जो कि वाटर में मिक्स यू विश टू एड आइस टू कूल इट उसको ठंडा करने के लिए यू शुड एड आइस टू द लेमोनाइड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर इन विच केस वुड इट पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर देखिए इसका मैं आंसर आपको लिख देता हूँ अच्छा आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखिए आपको मैं बता दूं जब पानी कूल हो जाएगा तो उसमें आपका जो आइस हमने डाली पानी कूल हो जाएगा तो उसमें जो डिजोल्व शुगर है उस वो कम डिजोल्व होगी हमने पढ़ा था जब आपके वाटर का किसी भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा था ना मिक्सचर जब हम किसी भी सॉल्वेंट का टेम्परेचर जिसमें चीज़ घुली जा रही उसका इंक्रीज करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका वो जितनी ज़्यादा घुलती जाएगी इसलिए अब हम लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे आई होप आपको समझ में आ गया होगा
कि हम आइस को लेमनेड को बनाने के बाद उसमें क्या डालेंगे, आइस डालेंगे। ओके देखिए हम लिख देते हैं बी, देखिए आपको दिख रहा है ना वी वुड एड आइस आफ्टर आफ्टर एडिंग ऑफ शुगर बिकॉज इन कूल वाटर शुगर एड इज लेस, मीन्स शुगर को हम कम एड कर पाएंगे। इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिसॉल्व मोर शुगर, तो हमने लिख दिया कि जब हम उसको आफ्टर ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने उसको ऐड कर दिया तो उसमें शुगर कम डिसॉल्व हो पाएगी। ठीक है, आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, बाय हीटिंग, देखिए यहां लिख सकते हैं बाय हीटिंग ऑफ सॉल्वेंट वी कैन इंक्रीज इट डिसॉल्विंग कैपेसिटी। ठीक है, उसकी किसी भी चीज को डिसॉल्विंग करने की कैपेसिटी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5। अब आपको इसको बढ़िया फेयरली करना है, इसको जहाँ डायग्राम लगे आप बना सकते हैं, जैसे बुनोविंग में, सीविंग में, डेकेंटेशन में आप ऐसे बना सकते हैं। ओके, और आपको वर्क सबमिट करके बिफोर 5 PM आपको वर्क कंप्लीट करके सबमिट करना है। ओके, और इन गुड हैंड राइटिंग, कुछ बच्चों की राइटिंग मैंने कहा सभी बच्चों को डेली पर डे 2 पेज इंग्लिश राइटिंग करनी ही है। ओके, एनी हाउ, ओके, थैंक यू।